नमस्कार दोस्तों, मैं गुंजन पांडे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे किचन में। तो आज हम बनाएंगे सब्जियों से भरपूर सुपर टेस्टी ये वेजिटेबल दाल खिचड़ी। सबसे पहले हम गैस पे रखेंगे एक प्रेशर कुकर, उसमें हम डालेंगे घी। मैं रिकमेंड करूंगा कि घी ही डालें आप। घी गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हम पका लेंगे। प्याज के पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे फ्रेंच बीन्स और बारीक कटा हुआ गाजर और छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई लौकी। इन सब्जियों को हम 4 से 5 मिनट तक कुकर को ढककर पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई पालक और बारीक कटा हुआ टमाटर और इन दोनों को भी 2 मिनट हम अच्छे से पका लेंगे। प्रेशर कुकर को 2 मिनट ढक के इन्हें पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे धुली हुई अरहर की दाल और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें धुली हुई मूँग की दाल। इसके बाद हम डाल देंगे धुला हुआ चावल और कुकर को बिना ढके हुए 1 से 2 मिनट हम इसे लो हीट पे पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी और इसके बाद डालेंगे हल्दी और थोड़ा सा नमक स्वादानुसार। इसके बाद हम इसे चला लेंगे। इसके बाद कुकर की लीड को बंद करके 2 सीटी हम मीडियम हीट पे लगाएंगे और 2 सीटी हाई हीट पे। इसके बाद हम कुकर को बंद कर देंगे और ये लीजिए हमारी हेल्दी और टेस्टी ये वेजिटेबल दाल खिचड़ी तैयार है आपके सामने।